सो गाइस, इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एक न्यू कार्ड के बारे में जो होने वाला है स्केपिया का क्रेडिट कार्ड और अब इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको इसके मेन बेनिफिट बताए थे, अगर आपने अब तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो जरूर से जाके देख लेना। सो ये वीडियो के बाद मैंने एक और वीडियो डाली है नए नियो बैंक पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम नए ऐप के बारे में जो ये कार्ड है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ की बेनिफिट बता दूं। सो आपको सबसे पहले ये लाइफ टाइम फ्री देखने को मिल जाता है, आपको कोई चार्ज कभी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आप इस पे कोई भी नाम क्रेडिट करवा सकते हैं, चाहे आप खुद का नाम डाल सकते हैं अगर आप माइनर है। उसके बाद ये फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप में आता है और आपको काफी अच्छे कैशबैक देखने को मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट वन का, वो जरूर से देख लीजिए। अगर आपने अप्लाई किया होगा तो हो सकता है अब तक आपको इसका अप्रूवल मिल गया होगा ताकि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो एक दो दिन में सभी को मिल जाएगा। मुझे मिल चुका और कुछ इस तरह का SMS मुझे आ चुका था, हो सकता है आपको व्हाट्सएप पे आए लेकिन आपको इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको अप्लाई करने का बताता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप माइनर है तो आप इस कार्ड को नहीं ले सकते क्योंकि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम एज 18 इयर्स होती है। मैं जो आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा उसमें मैंने अंडर 18 एज डाल के देखी थी, लेकिन अब मैं 90 डेज के लिए फिर से अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। सो आप ये ध्यान रखना, अगर आप ये कार्ड लेना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स की डिटेल जानना ताकि उनको कार्ड मिल जाए और नाम आप अपना लिखवा लेना जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब मैं आपको अपना प्रोसेस दिखाता हूँ इसे अप्लाई करने का। सो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद कंटिन्यू, मैंने माने डाली आप मेजर वाली डालना। आपको एक ईमेल डालनी होगी जिसपे एक OTP आएगा, वो वेरीफाई करना। जेंडर आप जो भी है, जैसे मेल मैं हूँ तो मैं मेल करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा, पैन कार्ड पे जो नाम है वो शो हो जाएगा, इसको डाल के कंटिन्यू करना होगा। ये प्रोसेस लेगा, अगर आप अप्रूव्ड होंगे तो आपको यहीं पे शो कर देगा जैसे मेरे भी आ चुके सॉरी क्योंकि मैंने माइनर डिटेल्स डाले थे तो कंफर्म रिजेक्ट होना था। आप ऐसा मत करना, आप अपने पेरेंट्स की डिटेल डालना, इनका मेरे पास पिछली वीडियो में भी कमेंट आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि ये सिर्फ 23 साल से ऊपर लोगों के लिए है। सो अगर आप है 21 साल से ऊपर तो आप ट्राई कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 21+ भी हो जाएगा। सो ये थी हमारी वीडियो, इस तरह से फटाफट से आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपने पेरेंट का कार्ड ट्राई करूंगा और वो अप्रूव हो गया तो इस कार्ड की अनबॉक्सिंग भी मैं आपको लाके दिखाऊंगा, साथ में हम टेस्ट करेंगे इसका ऐप कैसा है, सारे दिल में हम आगे बात करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। बैंक के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है।